नमस्कार दोस्तों, टेक न्यू इंडिया यूट्यूब चैनल में मैं वैभव आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के छोटे हम लोग सीखने वाले हैं, अगर आपको रेलवे का टिकट बुक करना है तो आप किस तरह से कर सकते हो ऑनलाइन रेलवे का बुक टिकट जो है रहता है वो बुकिंग। तो इसमें हम लोग ये बताऊंगा मैं कि आप किस तरह से कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो, तो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको रेलवे का टिकट बुक करना है ऑनलाइन तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। तो सबसे पहले आपको रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, आपके पास irctc.co.in इस वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है और वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आपके पास पहले से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड रहेगा तो आप डायरेक्टली ऐसे लॉगिन कर सकते हो। और सिर्फ और सिर्फ आपको रेलवे का टिकट का स्टेटस चेक करना है, मतलब कौन सा ट्रेन में कितना टिकट खाली है या फुल है, तो उसके लिए आपको लॉगिन की कुछ ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली यहाँ पे बुकिंग के डिटेल्स में फॉर्म और टू में डाल के आप टिकट स्टेटस चेक कर सकते हो। तो अभी फ़िलहाल आपको कंफर्म टिकट बुक करने के लिए आपको लॉगिन करना है पहले, तो मैं यहाँ पे मेरा लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा लॉगिन आईडी है और पासवर्ड यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, तो ऑलरेडी यहाँ पे सेव है वो। तो आप देख सकते हो आपको यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी डालना है और उसके साथ आपको यहाँ पे एक कैप्चर फिलअप करना है जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टाइप इन द बॉक्स बिलो के आगे आपको जो भी 6 डिजिट के वर्ड्स दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे टाइप कर देना है और सिर्फ वो आपको यहाँ पे लॉगिन कर देना है। यहाँ पे लॉगिन ओटीपी के थ्रू भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड डाला है और यहाँ पे मैं कैप्चर फिलअप करता हूँ। तो आपको भी इस तरह से कैप्चर फिलअप कर देना है तभी लॉगिन हो जाएगा, नहीं तो लॉगिन नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे कैप्चर डाला और लॉगिन साइन इन के ऊपर मैं सिंपली प्रेस कर देता हूँ। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा लॉगिन हो चुका है और मेरा नाम भी यहाँ पे शो कर रहा है। तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको कहाँ से कहाँ तक जाना है वो आपको यहाँ पे टिकट में टाइप कर देना है। तो जो मेरा है यहाँ पे मेरा पूरा जो डिटेल्स है वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे मेरा फॉर्म और टू डाल दिया है जहाँ से मुझे स्टेशन पे बैठना है और कहाँ पे उतरना है, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया। और मेरा जो कैटेगरी है जनरल रहेगा, अगर लेडीज़ कैटेगरी होगी, तात्काल होगा या अलग अलग और कैटेगरी भी है सीनियर सिटीजन का, वो भी आप टाइप कर सकते हो, लेकिन मेरा जनरल में बुकिंग करना है। और मैं यहाँ पर फ्लेक्सिबल विद डेट पर ऊपर सेलेक्ट करूँगा ताकि कोई भी यहाँ पर मुझे डेट का इशू नहीं आएगा। आगे पीछे जो भी डिटेल्स रहेंगे, जो भी बुकिंग रहेगा वो मुझे यहाँ पे सिंपली दिखाई देगा। तो उस तरह से मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और मेरा जो क्लास है वो मैंने यहाँ पे नॉर्मल ही रखा है, ऑल क्लास के ऊपर मैंने सिलेक्ट किया है। आपको कोई क्लास अलग क्लास का अगर आपको बुकिंग करना है सिर्फ और सिर्फ उसी क्लास का, तो आप यहाँ पे वो क्लास यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। AC 3 टायर होगा, 2 टायर होगा, तो उस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पे आपको डेट सेलेक्ट करना है, आपको किस डेट का टिकट निकालना है। तो मुझे यहाँ पे टिकट निकालना है 2 सितंबर का, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट किया और मुझे सर्च के ऊपर प्रेस कर देना है। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च के ऊपर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे प्लीज़ वेट बताएगा और उसके बाद मेरा टिकट का कौन से ट्रेन्स अवेलेबल है वो मुझे यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा जो पहला टिकट है, ट्रेन है, वो यहाँ पे शो कर दिया। जो जिसका अवेलेबल है टिकट वो उस डेट में वो आपको ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो टिकट है तो उसका मुझे यहाँ पे बता रहा है कि मेरा टिकट ऑलरेडी यहाँ पे मतलब सीट अवेलेबल है। तो सिंपली आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको यहाँ पे सेकंड टिकट का अगर टिकट बुक करना है तो आप क्या कर सकते हो, इसके ऊपर आप प्रेस कर सकते हो। अगर आपको स्लीपर का करना है तो आप स्लीपर के ऊपर बुक करना है। AC का करना है 3 टायर का तो 3 टायर के ऊपर। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली आपको बुक नाउ के ऊपर प्रेस कर देना है और एक टिकट का प्राइस कितना है वो आपको वहाँ पे शो कर दिया जाएगा। बेसिक प्राइस और जो रिजर्वेशन चार्जेस मिला के टोटल प्राइस यहाँ पे बताया दिया जा रहा है। तो उसके बाद मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बुकिंग के ऊपर प्रेस कर देना है। तो मैं यहाँ पे बुकिंग के ऊपर प्रेस कर देता हूँ। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद तो अभी यहाँ पे आप जैसे तो कोविड का अभी चल रहा है उसके कारण यहाँ पे एक बार आपको एग्री करना पड़ेगा। एग्री के ऊपर आपको प्रेस कर देना है यहाँ पे। उसके बाद आपको आपके जितने भी टिकट निकालने हैं वो आपको यहाँ पे नाम ऐड कर देना है। तो जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको एक टिकट में आप 6 जन का नाम ऐड कर सकते हो, उसके ऊपर नहीं कर सकते हो। अगर 6 के ऊपर आपको करना है तो 2 टिकट बुक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मेरा पैसेंजर का नाम डाल देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आपको एज सेलेक्ट करना है, ग्रैंडर सेलेक्ट करना है। और अगर आपको
लोकेशन आपका इंडिया ही रहने वाला, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फटाफट, मुझे जितना नाम यहाँ पे इंटर कर देना है। यहाँ पे मेरा नाम डाल दिया और मैं यहाँ पे एज डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको जनरेट सेलेक्ट करना है मेल है या फीमेल है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फीमेल। उसके बाद आपको नेक्स्ट नाम ऐड करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे ऐड पैसेंजर के ऊपर आपको प्रेस कर देना है, और उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा नाम डाल देता हूँ। तो इस तरह से मेरा 6 हो चुके हैं। अगर मैं एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर दिया जाएगा कि आप सिर्फ सिर्फ मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब 6 जो अलाउड किए हैं उतना मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया, तो अगला वाला नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट में जो आपने नंबर लिंक किया वो ऑलरेडी यहाँ पे आएगा। अगर आपको यहाँ पे इंटर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। और अभी कोविड का सीज़न चल रहा है इसके कारण यहाँ पे आपको एड्रेस देना है कि आपको कहाँ पे जाना है, तो मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता हूँ। आपको शॉर्ट में एड्रेस देना है और आपको यहाँ पे आपका पिन कोड डाल देना है। तो यहाँ पे मैं मेरा पिन कोड भी इंटर कर देता हूँ। आपको जहाँ पे जाना है उसका लोकेशन का आपको पिन कोड यहाँ पे इंटर कर देना है। अपने पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ पे अपने आप यहाँ पे स्टेट का नाम आएगा और सिटी का नाम आएगा और पोस्टल कोड आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पोस्ट ऑफिस सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे ट्रैवल का आपको इंश्योरेंस चाहिए नहीं चाहिए वो सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे यस ही कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पेमेंट किससे करना है, तो मुझे यहाँ पे डेबिट कार्ड या से पेमेंट करना है, नेट बैंकिंग वॉलेट या आपको भारत क्यूआर से करना है, तो ये ऑप्शन है। और दूसरा भीम यूपीआई से कर सकते हो, तो मुझे यहाँ पे वॉलेट से करना है, तो मैं सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता हूँ। कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो एक बार फिर से आपको पूरा डिटेल्स आएगा, आपको कहाँ पे बैठना है और कहाँ पे जाना है वो डिटेल्स आएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे डेट भी बताया दिया जाएगा, टाइमिंग बता दिया जाएगा ट्रेन का, कितना टाइम लगने वाला है पहुँचने में वो भी बताया दिया जाएगा। उसके बाद आपको डिपॉजिट जो टाइम रहेगा वो क्या रहेगा आपका, मतलब आपको पहुँचने का टाइम क्या रहेगा वो यहाँ पे रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना टिकट अभी अवेलेबल है बुक करने से पहले वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। एक बार फिर से आपका नाम यहाँ पे सारे जो नाम ऐड किए वो शो कर दिए जाएंगे, और एक बार आप फिर से कंफर्म कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको एक बार कैप्चर फिलअप कर लेना है जैसे कि मैंने पहले बताया उसी तरह से। तो मैं यहाँ पे मेरा कैप्चर ऐड कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे मैंने कैप्चर ऐड दिया कर दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि आपको प्राइस कितना है टोटल टिकट का वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरा जो प्राइस है वो देख सकते हो आप 1340 रुपीज़ हो रहा है। तो वो सिंपली मैंने यहाँ पे कैप्चर डालेंगे और कंटिन्यू के ऊपर प्रेस कर दूंगा। कंटिन्यू के ऊपर प्रेस करने के बाद मुझे पे किससे करना है वो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, तो मैंने पहले ही जो पहला वाला ऑप्शन था वो सिलेक्ट किया था। उसके कारण मुझे यहाँ पे वॉलेट से पे कर देना है, क्योंकि वॉलेट से आप पे करते हो तो आपको तुरंत हो जाता है ये, क्योंकि अगर आप नंबर्स ऐड करेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का तो उसमें टाइम बहुत चला जाता है, तो आपको कंफर्म टिकट मिलने में मुश्किल हो जाता है। तो एक बार राइट साइड पे आपको फिर से पूरा डिटेल्स शो कर दिया जाएगा यहाँ पे, तो उसी तरह से पहले मैंने आपको बताया था। तो ये आप एक बार कंफर्म कर सकते हो। और मुझे मोबीक्विक से वॉलेट से पेमेंट करना है क्योंकि मेरा इसके साथ एक्सपीरियंस अच्छा है, तो मैं यहाँ पे उसको सिलेक्ट किया है और पेमेंट बुक के ऊपर प्रेस कर दूंगा। अगर आप मोबीक्विक सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके मोबाइल के ऊपर OTP आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर इंटर कर सकता हूँ या आप ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर इंटर कर दिया, अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने के बाद आपका मोबाइल के ऊपर एक OTP आ जाएगा, वो OTP को आपको यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। तो मुझे OTP आ चुका है, मैं उस OTP को यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ। OTP मैंने यहाँ पे डाल देने के बाद साइन इन के ऊपर प्रेस कर देना है। इसके ऊपर प्रेस करने के बाद आपको और एक OTP आएगा और आपका वॉलेट का बैलेंस कितना वो शो कर दिया जाएगा। और फाइनल OTP एक बार फिर से आपको यहाँ पे इंटर कर देना है, क्योंकि मुझे दूसरा OTP यहाँ पे आ चुका है, तो मैंने वो भी OTP डाल दिया। अभी मैं यहाँ पे पे नाउ के ऊपर प्रेस कर रहा हूँ। पे नाउ के ऊपर प्रेस करने के बाद दोस्तों ये तुरंत ही बुक हो जाएगा आपका टिकट, क्योंकि आप मोबीक्विक से कर सकते हो, वॉलेट से करते हो तो आपको तुरंत टिकट बुक हो जाता है। अगर आप क्रेडिट कार्ड डालते रहेंगे तो बहुत टाइम चला जाता है। आप देख सकते हो मेरा कंफर्म टिकट बुक हो चुका है, और आप यहाँ पे देख सकते हो जो पूरा डिटेल्स के साथ मुझे आया है यहाँ पे, और मेरा ईमेल आईडी के ऊपर इस टिकट को भेजा दिया जाएगा IRCTC की तरफ से, और एक मोबाइल के ऊपर भी SMS आ जाएगा, और आपका राइट साइड पर PNR नंबर आपको शो कर दिया जाएगा, ट्रेन का जो नंबर है वो शो कर दिया जाएगा पूरा डिटेल्स, और आपने कौन सा टिकट बुक किया वो आपको मिलेगा, आपको कोच नंबर कौन सा है वो मिलेगा, और आपका सीट नंबर कौन सा है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा, और आपने कितने का पेमेंट किया वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा।
तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से कंफर्म टिकट निकाल सकते हो IRCTC वेबसाइट के थ्रू। आप किस तरह से टिकट निकाल सकते हो ऑनलाइन, इसके बारे में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है। इस वीडियो की मदद से आप आसानी से IRCTC से आप आसानी से रेलवे का टिकट कंफर्म टिकट बुक कर सकते हो। आप बताइए दोस्तों कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस टिकट बुकिंग में आपको कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कमेंट्स में आप मुझे लिख सकते हो, उसके बारे में आपको आंसर देने की कोशिश जरूर करूंगा। तो इस तरह से दोस्तों आज की वीडियो में हमने सीखा IRCTC के ऊपर आपको रेलवे का टिकट ऑनलाइन कंफर्म टिकट किस तरह से बुक कर सकते हो, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी दी है। उम्मीद करूंगा वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कीजिए।